इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे ही राजस्थान में भी सबने सबको चौंका दिया है बीजेपी ने। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। बीजेपी की तरफ से विधायक दल की बैठक के बाद इसका ऐलान किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उनके नाम का ऐलान किया गया। संगानेर से विधायक है, ये पहली बार विधायक बने थे, बीजेपी के महामंत्री भी हैं। विधायक दल की बैठक में भजन लाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया है। भाजपा के टिकट पर जीते विधायकों ने उन्हें अपना नेता माना। पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में सर्वसम्मति से उन्हें चुना गया है। विधायक दल की बैठक से पहले बड़े नेता पर्यवेक्षकों से मिले थे। राजस्थान के नए सीएम के नाम को लेकर काफी चर्चाएं चल रही थी। कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश के मोहन यादव की तरह ही बीजेपी किसी नए नाम का ऐलान मुख्यमंत्री के तौर पर कर सकती है, और ऐसा हुआ भी। भजन लाल शर्मा एक भारतीय राजनीतिक है जो वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान विधानसभा के सदस्य के रूप में संगानेर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह चार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव भी रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें संगानेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में चुना गया। आपको बता दें, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,081 वोटों के अंतर से हराकर अपना स्थान सुरक्षित किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बड़ा झटका दिया था, तो इस तरह से अब एक नया चेहरा सामने आया है राजस्थान में भजन लाल पर। इस खबर पर आपकी जो भी राय, कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।